राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए हमने पोंचो स्टाइल ड्रेस बनाया है। ये मैं पहले बेबी गर्ल का बना चुकी हूँ, तो रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि कान्हा जी का भी इस तरीके से बनाएं, तो ये मैं 0 से 1 नंबर कान्हा जी का बनाया है। आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, तरीका बनाने का सेम है, सिर्फ आपको चेन जो है नेक से ही शुरू होगा, तो वो थोड़ा सा चेन आप जो है आगे, जैसे ये मैंने 14 चेन से बनाया है 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए, तो अब अगर आप इसको और बड़ा बनाते हो तो नेक आप कान्हा जी का नेक जो होता है उसमें अच्छे से आना चाहिए, यानी कि सर के ऊपर से इसको डालना है। लेकिन ये सिर्फ आप जो है 0 से 1 नंबर कान्हा जी का तो ऐसे बंद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, जैसे ये दोनों तरफ से है। अगर आप बड़े कान्हा जी का बनाते हैं तो आप थोड़ा सा पीछे से इसे खुला बनाएंगे, तो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। पहले हम ये बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 0 से 1 नंबर ज़्यादा जो है डिमांड होती है, तो ये हम बनाएंगे सबसे पहले। तो बहुत ही ईजी पैटर्न है, इसे मैं 11 नंबर से बना रही हूँ और ये मैंने हाफ डबल क्रोशे से बनाया है, इसलिए देखिए कितना अच्छा है। ज़्यादा इसमें मतलब कि जाली नहीं दिख रही है, कान्हा जी को ठंड नहीं लगेगी। और ये बेबी ऊन से ही मैं हमेशा हर चीज़ बनाती हूँ कान्हा जी की, तो ये बेबी ऊन है मेरे पास, इन 2 शेड में बनाऊँगी। जो लेस बनाई है हम डार्क कलर की बनाएंगे और लाइट कलर का हम पोंचो ड्रेस बनाएंगे, और साथ में हमारी कैप है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इस तरीके से 14 चेन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 14 चेन ले ली है, और इंच टेप से अगर हम नापते हैं, इंच टेप से देखिए ऐसे, तो ये 2.25 इंच के करीब हमारा नेक है, 1.5 इंच का छोटे कान्हा जी को आ जाता है ये, देखिए ठीक है ना। अब हम इन्हें आपस में ऐसे जोड़ देंगे, देखिए इस तरीके से लास्ट वाली चेन में ऐसे गए, ये देखिए यहाँ से ऐसे ले गए, और लास्ट वाली चेन में से हम स्लिप स्टिच करके इसको, देखिए लास्ट की चेन है, और इनको आपस में ऐसे जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। तो ये देखिए ऐसे जुड़ गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। हम यहाँ पर कोना बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिनिशिंग जो है अच्छी नहीं आती, शुरू में कोना बना दो। तो ये हमारी 14 स्टिच है, 7 के बाद 1 कोना बनेगा और फिर दूसरा 7 के बाद, यानी कि 7 इधर 7 इधर, तो हर 7वें चेन पर हमारा कोना बनेगा। तो अगर हम इसे 1 स्टिच मान लेते हैं, यानी कि हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे और यहाँ कोना बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1 हो गया, जो 2 चेन ली हमने उससे अगली चेन में चले जाएंगे। यहाँ आप डबल क्रोशे में 3 स्टिच ऐसे निकालनी है, 2 3 4 5 6। तो देखिए 7वीं चेन आ गई। 7वीं चेन में हमने क्या करना है, इसी चेन में से 2 बार तो पहले हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 1 फिर से ले लेंगे उसी चेन में से, 2, और यहाँ पर लेंगे हम 2 चेन, ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, ठीक है ना। बहुत लूज ले लेंगे तो ज़्यादा खुला हो जाएगा, 2 चेन ले ली हमने, और फिर से इसी चेन में से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो ये बन गया हमारा कोना, जहाँ पर हमने 2-2 स्टिच बढ़ा दी है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से, तो ये कोना जो बनता हुआ नज़र आ रहा है ये हमारा कोना है, ठीक है। 7वें कोने पे हमने इस तरीके से लेना है, फिर से हम 6 लेंगे और 7वें कोने पर कोना इसी तरीके से बनाएंगे। तो 7 स्टिच हो गई, फिर से गिनना शुरू करेंगे, अगली चेन में जाएंगे, 1। आप इसे डबल क्रोशे से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, और सिंगल से भी बना सकते, 2 3 4 5 6 और ये 7वां, देखा 7वीं चेन आ गई ना, इसमें हमने सेम कोना बनाना है। 1 स्टिच बनाई हाफ डबल क्रोशे की, फिर से दूसरी बनाई और 2 चेन, 1 2, और फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो ये हमारा दूसरा कोना बन गया, और यहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ऊपर वाली चेन है, ये
यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेके इसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे हमने बार बार करना है जब जितना बड़ा, ये देखिए एक कोना ये हो गया, एक कोना इस तरीके से बन गया ना। तो अब यहाँ पर हम फिर से दो चेन लेंगे, एक दो, और अगली चेन में अब देखिए यहाँ पर स्टिच दो बढ़ गई है यहाँ पर, यानी कि टोटल एक दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, बीच में हमने छः ली ना, तो यहाँ पर अब ये टोटल कितनी हो जाएंगी, यहाँ से गिने तो एक दो यहाँ पर बढ़ी है, एक दो यहाँ पर, और बीच में छः थी, तो 10 हो गई ना, 4 हो गई हमारी। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा ये कोना बना है, उसके बाद ही एक स्टिच हो गई, उससे अगली चेन में जाएंगे। दो तीन, ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने 6 की थी तो यहाँ से शुरू करी थी ना कोना बाद में, तो यहाँ पर देखिए दो स्टिच बढ़ गई, ये बाद में आएगी, एक दो तीन, और ये 4 5 6, हर चेन में से हम ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ से पहले भी 6 ली थी, फिर यहाँ पर कोना बना, तो यहाँ पर दो स्टिच बढ़ गई है, 6 7 और ये 8, जो बड़ी हुई है वो हमने दो स्टिच ले ली है, ठीक है ना। और ये कोना आ गया, इस कोने में से सेम रिपीट करना है, 1 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशे लिया, 2 चेन ली, और फिर से इसी में से कोने में से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, तो ये फिर 2 यहाँ पर बढ़ गई है ना स्टिच। अब यहाँ से फिर हर एक चेन में से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ कोना बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहले से ही देखिए बड़ी हुई स्टिच पे से बना रहे हैं ना, ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ हमने कोना बनाया, ठीक है, और ये पहली चेन है जो इसी में से हमने ले लेना है, ये देखिए इसी के ऊपर जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 जो है, 1 और ये 2 यहाँ तक जो बड़ी हुई है, 9 और ये इसी के ठीक ऊपर वाली चेन 10, क्योंकि 4 हमारी स्टिच बड़ी थी, 2 इधर 2 इधर, 6 बीच में, तो ये हमने यहीं से बनाना शुरू किया, इसलिए हमारी पूरी 10 हो गई। कोना है, कोना बना लेते हैं, इसके अंदर से फिर जो 2 चेन होती है उसके अंदर से कोना बनेगा, 1 2 2 चेन, और ये फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरा कोना बन गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 चेन है ना, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर हमारी 6 8 स्टिच के बाद हमने कोना बनाया था, तो यहाँ पर 10 हैं, तो 2 ये हमारी इधर की भी 10 हो जाएंगी। ये एक चेन में से लिया हाफ डबल क्रोशिया, 1, और ये दूसरी चेन में से लिया, और यहाँ से चेन से शुरू किया था, ठीक ऊपर वाली चेन में हमने इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेनी, तो दोनों तरफ हमारी ये देखिए पहले 6 थी, 2 यहाँ बड़ी, यहाँ 8 हो गई, फिर यहाँ पर बीच में 8 हो जाएंगी, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितनी हो गई, 14 स्टिच हमारी, क्योंकि 4 4 हमारी स्टिच बढ़ रही है दोनों कोने पे, तो ये हमारा इतना बन गया है। तो ये 2 ही हमने रो बनाई है, उसके बाद आउटलाइन किया है, तो इसको धागे को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस धागे की, चाहे तो आप ऐसे नोट बांध लीजिएगा छोटी सी, ठीक है, क्रोशिया में ये देखिए ऐसे करके टाइट कर लें, ठीक है ना, ऐसे भी आप लगा सकते हो या फिर यहाँ पर डायरेक्ट बांध सकते हो। तो हमने ऐसे बांध लिया नोट, क्योंकि दोनों तरीके आने चाहिए, हमेशा मैं बांध देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, ये कोना यहाँ से हमारी स्टिच शुरू होने, देखिए यहाँ से हमने किया था तो 8 आई थी, अब ये देखिए यहाँ पर कितनी बढ़ गई, 2 ये 2 ये 6 स्टिच हमारी बढ़ गई, 14 स्टिच हो गई ना। तो आप इस तरीके से धागा लगा लीजिए, चाहे तो आप कोने पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, आपको अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आपको यहाँ से कोने पे से लगा के दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाए स्टिच दोनों तरफ कितनी है। तो यहाँ से हम कोने पे से, ये सीधी साइड है हमारा क्योंकि ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, अगर आप कोने पे से कोना बनाना चाहें तो ये देखिए यहाँ से हमने ऐसे कोने में से ले लिया, और सिंगल क्रोशे की हम आउटलाइन बनाएंगे, तो लेकिन कोना तो हमने बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक स्टिच हो गई,
हाफ डबल क्रोशे, सॉरी सिंगल क्रोशे से बनाना है। तो ये एक एक चेन वाला हो गया और यहाँ पर दो इस तरीके से ले लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से धागा लगाया था, कोना इस तरीके से बनाया था। तो यहाँ पर इस ये देखिए स्टिच गिन के दिखाती हूँ मैं आपको, दो ये है ना हमारी जो बड़ी थी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये देखिए इस कोने से इस कोने पे चौदह और इस कोने से इस कोने पे चौदह स्टिच हैं। अब हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से, धागे को ऐसे करके यहाँ से कहीं थोड़ा सा पीछे से ले लेंगे, या तो आप देखिए ये कोना है ना हमारा, दो स्टिच हम ये छोड़ देते हैं, ये कोने को छोड़ देते हैं और यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से 12 स्टिच हो जाएंगे क्योंकि 14 ना दो हमने छोड़ दिए, इसको बाद में आते हुए बुन लेंगे। तो यहाँ पर अपना धागा लगा देंगे इस तरीके से, ये देखिए, और ऐसे हम एक चेन ले लेंगे। ये धागा हमने लगा दिया, ये भी है, तो ये साथ साथ ऐसे दब जाएगा, थोड़ा पीछे से ले लो। तो अब हमने कोने पर तो वैसे ही लेनी है दो, ये सिंगल क्रोशिया की लाइन बनेगी, कोने पर तो ऐसे ही लेनी है दो दो चार स्टिच, बाकी हर चेन में से एक एक बार हमने सिंगल क्रोशिया इस तरीके से लेके जाना है, ठीक है। कोई चेन मिस नहीं करनी, नहीं तो हमारी स्टिच कम ज़्यादा हो जाएगी। तो हर चेन में से हम एक एक बार ये धागे ऐसे दबाते हुए हर चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया लेके कोने पर आते हैं। तो देखिए यहाँ से दो कोने वाली स्टिच छोड़कर हमने इस तरीके से यहाँ पर दूसरे कोने पर आई, तो ये 12 स्टिच हो गई, गिन के दिखा देते हैं। सॉरी यहाँ से तो हमने धागा लगाया था ना, तो इसको भी गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये कोना आ गया। इस कोने में से हमने सिंगल क्रोशिया दो बार लेना, जैसे हमने क्योंकि कोना तो साथ साथ चलेगा ही, पहले हाफ डबल क्रोशिया था, तो एक और ये दो, दो बार सिंगल क्रोशिया लेके दो चेन, एक दो और फिर से सॉरी हाँ सिंगल क्रोशिया दो बार, एक दो चेन के बाद में फिर सिंगल क्रोशिया, तो ये कोना बन गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ से देखिए स्टिच यहाँ पर देखिए, अब ये दो बढ़ गई ना हमारी, तो यहाँ से गिनेंगे ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, और यहाँ पर कोना बनेगा, तो चौदह चौदह स्टिच है हमारी। और यहाँ पर कोना बन के फिर चार चार स्टिच बढ़ गई, दो यहाँ पर, तो कितनी हो गई 16, ये 14 15 16 17 18 स्टिच हो गई, 18 इधर इधर 18। तो बना लेते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं पहले बनाकर। तो देखिए यहाँ पर कोने पे हमने दो सिंगल क्रोशिया ले लिया, दो चेन लेकर फिर से दो बार सिंगल क्रोशिया ले लिया, एक और ये दो, अगली चेन में गए सिंगल क्रोशिया एक बार और ये इससे अगली चेन में दो बार ले लिया। और यहाँ पर हमने शुरू किया था तो यहीं से हम स्लिप स्टिच लेके इसको आपस में ऐसे देखिए लास्ट स्लिप स्टिच लिया और धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए छोटा सा पोंचो बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ से एक कोने से स्टिच गिनेंगे, देखिए एक बार फिर मैं गिन के दिखा देती हूँ, दो तो यहाँ बड़ी है ना सिंगल, एक और दो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये लास्ट में, और सत्रह अठारह, अठारह स्टिच है इधर भी, अठारह हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ऐसे ही बाजू को अलग करना है, तो नौ इधर है नौ इधर है, ठीक है, छः की हम बाजू बनाएंगे, यानी कि तीन इधर के छः की बाजू बनाएंगे और छः छः हम बुनेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे हमने छः बुने हैं और छः यहाँ पर दोनों तरफ से तीन तीन छोड़ दिए, तो नौ नौ अठारह हो गए ना, छः और तीन नौ और नौ इधर, ठीक है, ऐसे हमने अलग अलग करना है। तो देखिए यहीं से गिन लेते हैं, या कोने से शुरू कर सकते हैं यहाँ से भी, या फिर हम यहाँ से छः गिनकर, जैसे ये दो कोने हैं देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये दो चेन थी हमारी, ठीक है ना, उसके बाद दो स्टिच हुई, एक दो तीन चार पाँच छः, जो छठी है यहाँ पर छठी चेन में अपना धागा हम लगा देंगे, ये लगा दी हमने, और ये एक और ये दो चेन हमने ले ली क्योंकि हम अब हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, तो इसको आप बांध भी सकते हो, ऐसे भी बांध सकते हो जैसे, या फिर नोट लेके आप इस तरीके से, क्योंकि खुलना नहीं चाहिए, ऐसे नोट बांधा, ठीक है। फिर से गिन लेते हैं यहाँ से, एक ये जो दो स्टिच हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, जो छठी चेन है यहाँ से, और ये जो नोट बांधा हमने यहाँ से इस तरीके से खींच लेंगे तो, और इस धागे को ऐसे, तो छोड़ ये देखिए यहाँ पर हम
छह स्टिच हो गए ना, एक बार फिर नोट कर लो, एक दो तीन, गलत नहीं होना चाहिए ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छठी चेन में यहाँ पर हम दो स्टिच ले लेंगे, एक दो चेन ले लेंगे, और यहाँ से फिर अगली चेन गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः छोड़ देंगे सातवीं में, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया ले लिया, बीच में छः स्टिच छोड़नी है, ठीक है ना, ये छः हो गए। अब यहाँ से एक बुन ली हमने, बाकी पांच बुन लेते हैं, दो तीन चार पांच और ये छः, ठीक है ना। इसको गिना, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पर ये एक हमने दो चेन बनाई है ना, इसके बाद यहाँ पर हमारा ख़त्म होएगा जब हम इस तरीके से घूम के आएंगे। तो छः बीच में छोड़ दिए, छः यहाँ पर बना लिए, और ये जो कोना है हमारा इसको फिर से ऐसे बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया हमारा चल रहा है, बस सिर्फ सिंगल से हमने आउटलाइन किया, ऐसे किया और दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया कोने पर जैसे पहले बना रहे थे, और दो चेन और फिर से दो बार हाफ डबल क्रोशिया, एक और दो। ये छोटा ड्रेस है इसलिए हम हाफ बना रहे हैं, तो आप फुल भी बना सकते हैं। और फिर यहाँ से फिर यहाँ तक ये दो नहीं गिनने, ये बस यहाँ से, क्योंकि दो तो स्टिच बढ़ गई ना, फिर आगे से छः बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, और यहाँ से छोड़ देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और लास्ट में हम बना लेंगे इसी तरीके से। फिर ये कोना बनाकर यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ से कोना बनाकर यहाँ आ गए, यहाँ से शुरू किया था हमने, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी स्टिच एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पर हमने ये शुरू किया था, तो ये दो चेन बनाई थी, तो इस चेन में से, दूसरी चेन में से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी छठी स्टिच है, ठीक है ना। तो ये राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर हमने दो दो स्टिच बढ़ा देनी है, तो कैसे करना है, यहाँ पर फिर से दो चेन बनाएंगे, इसको स्टिच को हम गिन रहे हैं, हाफ डबल क्रोशे समझ रहे हैं इसको, और यहाँ पर ऐसे घुमाकर इसके अंदर से ये एक और ले लेंगे। तो यहाँ पर हम दो स्टिच, एक चेन ये है और एक चेन यहाँ पर, ऐसे दो दो, यानी कि एक स्टिच यहाँ पर बढ़ गई। अब हमें हर चेन में से, देखिए चेन मिस नहीं करनी आपको, चाहे तो आप गिन के बना लीजिए इस तरीके से, हर एक चेन में से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए और कोना बनाते हुए, जैसे मैंने बताया यहाँ कोना बनाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी दो स्टिच हम ले लेंगे। तो मैं यहाँ तक आती फिर बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से बनाकर यहाँ आ गए हैं। ये जो देखिए यहाँ पर हमने बाजू, यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया लेके सीधे यहाँ आ गए थे, तो यहाँ पर बीच में से दो स्टिच हम ले लेंगे, इससे थोड़ा घेरा अच्छा आ जाता है, एक और ये दो, ठीक है ना। अभी एक स्टिच, दो दो यहाँ बढ़ गई ना, दो तो यहाँ बस दो राउंड हो गए, तीसरा और बनाना है हमने, तो बस यहाँ कोना बनाना है, यहाँ कोना बनाना है, घूम कर इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पोंचू कुछ इस तरीके से बन गया है, ड्रेस है ये पोंचू ड्रेस, और ये आराम से देखिए इस तरीके से पहना, गले से पहना कर ऐसे, और आराम से बाजू निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे और लूज बनाना चाहते हो तो डबल क्रोशिया से आप बना सकते हो। अब हम यहाँ पर लेस तैयार करेंगे, तो ये यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ था, तो हम यहीं से थोड़ा सा पीछे, क्योंकि इससे दब जाता है धागा दूसरा, तो कहीं से भी दो स्टिच पीछे से हमने यहाँ पर ये धागा लगा लेना अपना ऐसे, ये हमने धागा लगा लिया और एक चेन ले ली, और इन दोनों धागों को ऐसे दबाते हुए यहाँ पर पफ स्टिच लेना, जहाँ पर हमने धागा लगाना ऐसे घुमाया हाफ डबल क्रोशिया, और इसे धागे को निकालना नहीं, ऐसे रखना, एक दो तीन, तीन बार मैंने एक ही चेन में से निकाला, इन सबको ऐसे निकालने के बाद में ये देखिए फिर से ऐसे एक चेन ले लेनी है, और एक चेन छोड़कर अगली चेन में स्लिप स्टिच ऐसे, ठीक है, लेकर फिर से रिपीट करना है पफ, ऐसे घुमाया एक दो, घुमाकर ये स्टिच निकाल नहीं रहे, सारे एक साथ रख रहे हैं, फिर सबको इकट्ठा निकाल कर एक चेन ऐसे लेके, और फिर एक चेन यहाँ से छोड़कर अगली चेन में स्लिप स्टिच, चाहे तो आप यहाँ पर
ये देखिए इस तरीके से हमारा बनेगा। तो आप सिंगल क्रोशिया भी ले सकते हैं, एक दो, इन धागों को ऐसे दबाए रखना है ना, और ये तीन, तीन बार लेके सबको निकाल कर फिर से एक चेन और एक चेन छोड़कर अगली चेन में स्लिप स्टिच लेके पफ स्टिच। बस सिंपल सा है, देखिए कितने प्यारा सा बन रहा है।